ये सभी लोग 5 वर्ष तक बिलों के अंदर छुपे रहे और चुनाव हुए तो इत्र वाले मित्र फिर से ढूंढने लग गए अपना सहारा। लेकिन जब जेसीबी चली तो नोट की ढेर निकल। लेकिन पहले तो सपा रही हो, बसपा रही हो या फिर कांग्रेस रही हो, सरकार आती थी तो पहले मुख्यमंत्री और मंत्री अपना आवास बनाते थे। और मैं कह सकता हूं कि जब अच्छी सरकार होती है तो उसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिलता है। आपके सामने उदाहरण है, प्रदेश की सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश में बिजली वितरण की समान व्यवस्था। पहले बिजली 3 जनपदों में मिलती थी, 72 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज प्रदेश में कोई वीवीआईपी जिला नहीं है, हर जिला अपने आप में वीवीआईपी है और हर जिले में हर व्यक्ति के घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हम लोग करते हैं। यही तो सरकार का कार्य है, यही सरकार की ड्यूटी है। बिना भेदभाव के कोई भेद नहीं, अपना पराये का कोई भेद नहीं, या अपने पराये का भेद वे लोग करते हैं जिनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। ऐसे ही होता था, कांग्रेस की सरकार आती थी भाई बहन की पार्टी हो जाती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो बुआ भतीजे की पार्टी हो जाती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो चाचा भतीजा झोला लेकर के वो सूली के लिए निकल पड़ते थे। यही तो था प्रदेश में। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपने देखा होगा उनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ था, हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी। इसलिए उसके सुख दुख में सहभागी बनना, कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा विपक्ष के नेता जब होम क्वारंटीन थे, घर में बैठे हुए थे, होम आइसोलेशन में थे, तब मैं या हमारे मंत्री, हमारे पदाधिकारी एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए, वहां तक शासन की योजना पहुंचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कार्य कर रहे थे। जो संकट का साथी है वही असली साथी है, शेष तो अवसरवादी है। और भारतीय जनता पार्टी ने यही किया। भाइयों बहनों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस किस प्रकार के लोगों को पिछली सरकारें प्रश्रय देती थी आप देख रहे होंगे। 5 साल तक जो अपने बिलों के अंदर दुबे हुए थे, चुनाव आते ही अब फिर सिर उठा करके गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। फिर तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। गरीब की सुनवाई होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, नौजवानों के लिए रोजगार होगा और किसान के उन्नयन के लिए कार्य होगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। लेकिन अगर बेटी की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर अगले दिन उसके गले में तख्ती लटकती हुई भी दिखाई देगी। आपने देखा है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पिछली बार मैं आया था बुलंदशहर में 2017 में, पहला चुनाव प्रचार मैंने बुलंदशहर से ही किया था। और जब मैं आया था कुछ परिवारों में मिलने के लिए गया था तो सबने एक ही शिकायत की थी, कहा कि देखिए हम लोग तो असुरक्षित हैं, बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। मैंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, बेटी की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी होगी। और भाइयों बहनों,
आपने देखा होगा सरकार आई कैसे सुरक्षा का वातावरण दिया। आज हर बेटी स्कूल जा सकती है, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं, कोई दंगा नहीं। ये दंगाई, ये माफिया, ये इत्र वाले मित्र, ये सभी लोग 5 वर्ष तक बिलों के अंदर छुपे रहे और चुनाव हुए तो इत्र वाले मित्र फिर से ढूंढने लग गए अपना सहारा। लेकिन जब जेसीबी चली तो नोट की ढेर निकल रहे भी दे सकती थी, लेकिन पहले तो सपा रही हो, बसपा रही हो या फिर कांग्रेस रही हो, सरकार आती थी तो पहले मुख्यमंत्री और मंत्री अपना आवास बनाते थे। हमने कहा नहीं, पहले इन गरीबों का मकान बनना चाहिए। और भाइयों बहनों, 33,000 मकान अकेले आपके बुलंदसर जनपद में मिले हैं। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 43,00,000 गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। 43,00,000 से ज्यादा है, 43,50,000 है। 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है। जब आवास की शुरुआत हुई थी, ये डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ही इस विभाग के मंत्री थे, बाद में इनको पानी वाला मंत्री बनाया है, जल शक्ति मंत्री। दो करोड़ 61,00,000 गरीबों के लिए एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1,21,000 मजरे तक बिजली पहुंचाई गई, जो अनिल शर्मा जी कह रहे थे कि हर मजरे तक विद्युतीकरण का कार्य हुआ और हर गरीब को फ्री में बिजली दी गई। पूरे प्रदेश के अंदर 1,21,000 मजरों तक बिजली हम लोगों ने पहुंचाई, जो कभी नहीं पहुंचाई थी वह हमने पहुंचाई। फ्री में बिजली भी दिए 1,43,000 परिवार, करोड़ परिवारों को। ये काम पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन भाइयों बहनों, जब व्यक्तिगत स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो जाता है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पिछले लोगों ने राजनीति को अपना व्यक्तिगत व्यवसाय माना था, शोषण का, भ्रष्टाचार करने का, अत्याचार करने का, जमीनों पर कब्जा करने का, इसे वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। हमारी सरकार आई, अंतर आप फर्क महसूस कर सकते हैं। फर्क क्या है? सपा की सरकार आई, मुख्यमंत्री को पहला निर्णय लेना था, क्या निर्णय लेंगे? मुख्यमंत्री ने पहला निर्णय लिया था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, उन्होंने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। और जब मेरे पास मौका आया, भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे मौका दिया मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे कहा गया क्या निर्णय लेंगे, मैंने कहा मैं अन्नदाता किसानों का कर्ज माफ करूंगा। 86,00,000 किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था और अवैध बूचड़खानों पर हमेशा के लिए ताले डाल दिए गए थे। ये केवल अवैध बूचड़खानों पर ही नहीं डाले ताले, ये माफिया प्रवृत्ति पर भी हमेशा के लिए लगाम लगाने के लिए ताले पड़े थे।